हेलो एंड वेलकम बैक किशोर इंग्लिश टीचिंग सेंटर त्रिवेणीगंज सुपौल। आज हम लोग आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है। कहता है आइडियाज, आइडियाज में होता है विचार, दैट जो हैव हेल्प्ड, जिसने मदद किया है मैनकाइंड मानवता को, विचार जिसने मानवता को मदद किया है, यानी क्या ऐसी बात थी जो मानव को, कौन सी ऐसी बात थी जो मानव को आगे बढ़ने में मदद किया कि कभी न कभी हम लोग असभ्य जैसा रहते थे, जंगलों में रहते थे, खाने पीने आदि या कृषि, खाना बनाने का, खाना खाने इत्यादि का ढंग नहीं था, कृषि कैसे किया जाए, खेती कैसे किया जाए, उसका हमें ज्ञान नहीं था कि कैसे घर बनाया जाए और किस प्रकार से एक सभ्य जीवन जिया जाए, ये भी हमें पता नहीं था, और किस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और हम में सारा का सारा गुण आ गया। यह चैप्टर बर्टन रसेल जी के द्वारा लिखा गया है। कहता है बर्टन आर्थर विलियम रसेल, बर्टन रसेल का पूरा नाम था बर्टन आर्थर विलियम रसेल, जिनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1970 ईस्वी में हुआ। एक ब्रिटिश फिलोसफर, कहता कि ब्रिटिश ब्रिटेन के ये फिलोसफर से दर्शन शास्त्री थे, हिस्टोरियन थे, इतिहासकार भी थे, मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ भी थे, एडवोकेट वकील का भी कार्य करते थे फॉर सोशल रिफॉर्म, और वकील का कार्य किस क्षेत्र में करते थे, सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक क्रांति के लिए, समाज को सुधारने सबके क्षेत्र में ये कार्य किया करते थे। पेसिफिस्ट मीन्स वह शांतिवादी थे, यानी शांति के क्षेत्र में भी कार्य किया करते थे, देशों के बीच या किसी मतलब एक तरह से की कूटनीति की जैसा भी कार्य करते थे कि संसार में कोई लड़ाई भी किसी देश में न हो। एंड ए प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ द 20th century, और 20वीं शताब्दी के एक महान शख्स कह सकते हैं आप इसको। वाज प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक मीन्स होता उपजाऊ, कहने का मतलब हुआ यहाँ कि जो अपने पीक पॉइंट पर हो, वैसा कवि, वैसा राइटर जो उस समय के अच्छे अच्छे कहानियां कविताएं लिखते थे, ऐसा थे वे। He was also a commentator. Commentator भी थे। Commentator means हुआ कि किसी, जैसे commentary करता है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, इन सब का जैसे किया जाता है, यानी बॉल टू बॉल या मैटर क्या हो रहा है उस बात का प्रत्यक्ष मतलब देखते हुए उसका प्रसारण जो करता है इस प्रकार से। ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, ढेर सारे टॉपिक्स पर, जैसे कमेंटेटर ऑफ ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, यानी विभिन्न टॉपिक्स पर वो बोला करते थे, कोई भी टॉपिक्स दे दिया जाता था। मान लीजिए गांधी जी के बारे में कहना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के चरित्र के बारे में कहना है, भारतवर्ष के बारे में कहना है, तो वो अपने बातों को बहुत अच्छी तरीका से लोगों के पास रख पाते थे। हिज कमेंट्स, उनका जो कमेंट्स था, वो जो भी बोलते थे, ऑन सेक्स पर, मैरिज पर, शादी पर, पॉलिटिक्स पर, राजनीतिक पर, रिलीजियन धर्म के ऊपर, साइंस के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर, सोशलिज्म समाजवाद एक तरह से ये, एजुकेशन शिक्षा के ऊपर, क्राइस्ट के ऊपर, मार्क्स, ये सब महान व्यक्ति थे, मार्क्स के ऊपर, बुद्धा के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर, और एंड ए होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स, और भी ढेर सारे टॉपिक्स पर वो बोला करते थे। आर फैथी एंड फूल ऑफ कैंडोर, यह सब कहिए कि इन सब टॉपिक्स पर जब भी वो बोलते थे तो सबको आश्चर्यचकित कर देते थे, सबको हतप्रभ रख देते थे। कहे इन 1950 यानी बर्टन रसेल को अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज, यानी नोबेल प्राइज मिला इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज वेराइड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग, कि उन्होंने महत्वपूर्ण जो राइटिंग सब किया है, महत्वपूर्ण लेख सब जो लिखा है, लिखे थे, और ढेर सारे कहे कि टॉपिक्स पर वे अपना बात जो रखते थे, इन्हीं सबसे प्रभावित होकर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इन विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, कि ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स यानी मानवता के बारे में किस प्रकार से प्रत्येक मानव को अधिकार होना चाहिए, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, कि अपने
विचार को व्यक्त करने की आजादी होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी होना चाहिए, इन सब विषयों पर बोलने के कारण, लिखने के कारण ही कई एक बर्टन रसेल को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स। कदगी बर्टन रसेल जो है एज वन ऑफ द वर्ल्ड संसार के बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स, संसार के कहिए कि महान इंटेलेक्चुअल्स मीन्स वह महान विद्वानों में से एक थे बर्टन रसेल। रसेल्स वॉयस कैरेड ग्रेट मोरल ऑथोरिटी, ग्रेट बर्टन रसेल का जो वॉयस था, आवाज था, जो भी बर्टन रसेल बोले उस वह बहुत अधिक मोरल ऑथोरिटी को दिखाता है, नैतिकता को दिखाता है, उसमें बहुत अधिक नैतिकता छुपा हुआ है। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड, कहते हैं कि वे ओरिजिनल यानी अपने एटीट्यूड में, अपने भावना में पूरी तरीके से जैसा वो जो भी बोलते थे वैसा ही उनका भावना था, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए वो बोलते थे और अपना उनका व्यवहार अलग था। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल और इन हिज स्टाइल, अपना स्टाइल में वो क्लियर थे और फोर्सफुल थे। मीन्स हुआ कि किसी भी बिंदु पर चाहे कितना भी लोग विरोध क्यों न करे, लेकिन वो साफ साफ जो कहने का होता था कहते थे और फोर्सफुल बल देकर कहते थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, यह बात सही है, जो भी सही होता था वो। हिज मेजर वर्क्स, उनका जो महत्वपूर्ण किताब सब है कहानियां, इंक्लूड अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी नाम की किताब ये इन्होंने लिखा है, ह्यूमन नॉलेज इसने लिखा है, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स इसने लिखा, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज मैन इफेक्ट एंड फिक्शन किताब का नाम है, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये सब किताबें हैं जो बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कहता है बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर इस बात को डिस्कस करने से पहले वी मस्ट कि आइडियाज क्या है, विचार मानव में कैसे आया, किस प्रकार से कौन सा ऐसा विचार आया मानव में, कौन सी ऐसी गुण आई जिसके कारण मानव आगे बढ़ा है, इतना आगे तक आया है, इस विचार पर गौर करने से पहले लेखक कहते हैं वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन, हमें कुछ अवधारणाएं बनानी होगी एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, जो प्रभाव के रूप में दैट वी कंसीडर, जिसको हम लोग मानते हैं अ हेल्प टू मैनकाइंड, कि ऐसा क्या धारणा थी, ऐसी क्या कौन सी धारणा थी, ऐसा कौन सा विचार था जो हेल्प टू मैनकाइंड, जिसने मानवता का मदद किया। अब लेखक कहते हैं आर मैनकाइंड, क्या मानव helped when they become more numerous, क्या मानवता को तब बल मिला जब more numerous यानी मानव का संख्या अधिक हो गया, और when they become less like animals, या मानवता को तब बल मिला यानी मानव आगे की ओर तब बढ़े जब उसमें less like animals यानी जानवर वाला गुण कम हो गया, और when they become happier, या मानव तब आगे बढ़ा जब वो अधिक happier हो गया यानी खुश रहने लगा, मानव को क्या तब मानव को आगे बढ़ने में मदद मिला जब वो अधिक संख्या में हो गया, या उसमें पशु का गुण कम हुआ, या वो अधिक खुश रहने लगा, और when they learn to enjoy a greater diversity, या क्या कि वह जो है अधिक से अधिक अनुभवों का आनंद लेना शुरू किया, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, अधिक से अधिक जो वो खोज किया इत्यादि जो उसके पास सुविधाएं हुई, क्या उनका वो आनंद लेना शुरू किया, डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अब कौन सा किसका किसकी सुविधा लेना शुरू किया, तो एक्सपीरियंस अनुभव, अधिक से अधिक अनुभव का क्या मानव फायदा उठाना शुरू किया, और तब उन्हें आगे बढ़ने में मदद हुआ, और वेन दे कम टू नो मोर, या मानव को तब आगे बढ़ने में मदद हुआ जब वो अधिक जानने लगा यानी किसी बातों का उसे अच्छा ज्ञान हो गया, और वेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, कि
मानव को तब आगे बढ़ने में मदद हुआ जब व्हेन दे बिकम जब वे लोग हुए मोर फ्रेंडली अधिक मित्रवत हो गए टू वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ उनकी मित्रता अधिक बढ़ गई। आई थिंक लेखक का आई थिंक मैं सोचता ऑल दीज थिंग्स ये सारी बीत बातें कम इन टू आवर कंसेप्शन हमारे अवधारणा में जरूर आई होगी ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड जिसने मानवता का मदद किया एंड आई विल से ए प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम और इन सब के लिए प्रिलिमिनरी मीन्स होता है प्रारंभिक कार्य यानी मैं प्रारंभिक शब्द बोलूंगा अबाउट देम इन सब के बारे में कि इन सब के बारे में प्रारंभिक बात यही कहूंगा कि ये सारी बातें जरूर हुई होगी। थैंक्स।